समय हो चला है ठीक रात के एक। आपने ट्यून किया हुआ है आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। रेनबो रिवाइंड के तीसरे और आखिरी हिस्से में फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मंदार। रेनबो का ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी कि DRM पर भी सुन सकते हैं। के धारे
दिल पुकारे आरे 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 हजारों गाने हैं रफी साहब के, उनमें से कुछ गाने चुनकर लाए हैं आज रेनबो रिवाइंड की इस महफिल में। ज्वेल थीफ का ये गाना अभी आपने सुना, मोहम्मद रफी के संग लता मंगेशकर का गाया, शैलेंद्र का लिखा गीत था, संगीत दिया एस डी बर्मन ने। जब देश में कहीं पर भी धर्म और संप्रदाय के नाम पर दंगे और झगड़े होते हैं, ऐसे में मोहम्मद रफी साहब को याद करना बहुत जरूरी हो जाता है, जो सर्वधर्म समभाव के एक मजबूत प्रतीक थे और जिन्होंने बैजू बावरा में मन तड़पत हरि दर्शन को, आज गोपी में सुख के सब साथी ये भजन और भक्ति गीत इस तन्मयता से गाए कि आज भी श्रोता भाव विभोर हो जाते हैं। संगीतकार रवि के संगीत में मोहम्मद रफी की एक ऐसी ही लाजवाब भक्ति रचना इसके बाद सुनेंगे, फिल्म है खानदान। राजेंद्र कृष्ण इस गीत के रचयिता है, अभिनेता सुनील दत्त पर यह गाना फिल्माया गया है। बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तके बिजबाला, बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तके से पूछे कहाँ है मुरली वाला रे, भाई दे भाई नंदलाला तेरी राह तके बिजबाला, भाई दे भाई नंदलाला तेरी राह तके बिजबाला। बरस रहे हैं जमुना के तट धुन मुरली की सुनने को, धुन मुरली की सुनने को, अब तो दर्श दिखा दे नटखट क्यों दुबधा में डाला रे, भाई दे भाई नंदलाला तेरी राह तके बिजबाला, भाई दे भाई नंदलाला तेरी राह तके बिजबाला। Oh,
रंग लाया, तेरी राहत के बिन पाया। ओ बड़ी देर वही रंग लाया, तेरी राहत के बिन पाया। ओ बड़ी देर वही रंग लाया, तेरी राहत के बिन पाया। ओ बड़ी देर वही रंग लाया, तेरी राहत के बिन पाया। ओ बड़ी देर वही रंग लाया, तेरी राहत के बिन पाया। ये रातें फिर से आएंगी और चली जाएंगी, गुनगुनाते लम्हों में जिंदगी ठहर जाएगी, गुजरे हुए कल की यादों से रूबरू करवाएंगी, फास्ट फॉरवर्ड जिंदगी को फिर से रिवाइंड कराएगी। रेनबो रिवाइंड हर रात 11 से देर रात 2 बजे तक सिर्फ 107.1 FM रेनबो पर, म्यूजिकली योर्स। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। है वफा इस जहां को,
एक दिन दिखला दूंगा मैं दीवाना। चुरा लिया, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। ले लिया दिल, हाय मेरा दिल, हाय दिल लेकर मुझको ना बहलाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। हर दिल में बसे हैं रफ़ी साहब के गाने। आज उनमें से कुछ गाने हम चुनकर लाए हैं आपके लिए। यादों की बारात फिल्म का ये गाना मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा, आरडी बर्मन के संगीत में, मोहम्मद रफ़ी के संग आशा भोसले का गाया हुआ गीत। रफ़ी साहब के सुपरहिट गाने इस वक्त आप सुन रहे हैं मंदार के साथ आकाशवाणी मुंबई के एफ एम रेनबो पर। रात के 1:17 हो चुके हैं। ये कार्यक्रम है रेनबो रिवाइंड। गीतकार शकील बदायूनी और संगीतकार रवि की जोड़ी ने कमाल कर दिया है फिल्म दो बदन में। दो बदन के सारे गाने सुपरहिट थे। विशेष बात तो यह है कि इन गीतों की लोकप्रियता क्षणिक नहीं थी, आज भी ये गाने संगीत प्रेमी बहुत पसंद करते हैं। चाहे आशा भोसले का गाया जब चली ठंडी हवा ये गाना हो, या लता मंगेशकर के गाए लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए इस गीत की उदास तान हो, मोहम्मद रफी के गाए नसीब में जिसके जो लिखा था इस गीत की कशिश हो, या फिर रहा गर्दिशों में हमदम मेरे इश्क का सितारा इसके सोज भरे स्वर हो। 1967 की फिल्म दो बदन के सारे गाने यादगार रहे। दो बदन का ही एक मशहूर नगमा इसके बाद हम सुनने वाले हैं। ये गीत गाया है मोहम्मद रफी ने, पियानो बजाते हुए मनोज कुमार पर्दे पर इस गीत को गा रहे हैं, साथ में है नायिका आशा पारेख। समझाने कहाँ जाएं, भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाएं। मोहब्बत हो गई जिनको वो दीवाने कहाँ जाएं, भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए, भरी दुनिया पर पहरे जमाने की निगाहों के, जमाने की निगाहों के जिन्हें जलने की हसरत है, जिन्हें जलने की हसरत है वो परवाने कहाँ जाए। मोहब्बत हो गई जिनको वो दीवाने कहाँ जाए, भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए, भरी दुनिया।
छुपाना भी, जिन्हें मुश्किल छुपाना भी, जिन्हें मुश्किल। जरा तू ही बता है दिल, जरा तू ही बता है दिल, वो अफसाने कहाँ जाए। मोहब्बत हो गई जिनको वो दीवाने कहाँ जाए। भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए। भरी दुनिया करारी का। समझ में कुछ नहीं आता, समझ में कुछ नहीं आता, सुकून पाने कहाँ जाए। मोहब्बत हो गई जिनको वो दीवाने कहाँ जाए। भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए। भरी दुनिया। रफी साहब के चाहने वाले, उनके गीतों के दीवाने, उनकी आवाज के दीवाने जुड़े हैं हमारे साथ आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो के साथ। मैं मंदार हूं आप सभी संगीत प्रेमियों के साथ और ये कार्यक्रम है रेनबो रिवाइंड। संगीतकार रवि के संगीत में ये गाना अभी आपने सुना और इसके बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और मोहम्मद रफी साहब। पारस मणि के बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में मोहम्मद रफी ने कई सुपरहिट गाने गाए। वर्ष 1964 में बनी फिल्म दोस्ती के लिए जहां मोहम्मद रफी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला, वही लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को भी इसी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का अमिताभ बच्चन और जया भादुरी पर फिल्माया एक नजर का एक लाजवाब ड्यूट सुनेंगे इसके बाद। फिल्म एक नजर कोई खास कमाल तो नहीं कर पाई थी, पर यह जो गाना है सभी संगीत प्रेमियों ने बहुत बहुत पसंद किया। गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने। समझते हैं लोग कोई किसी
हंसते हैं लोग। दिखलाएंगे जहां को कुछ दिन जो जिंदगानी है और कैसे न हम मिलेंगे, हमने भी दिल में ठानी है और अभी मत वाले दिलों की ये रातें फिर से आएंगी और चली जाएंगी, गुनगुनाते लम्हों में जिंदगी ठहर जाएगी, गुजरे हुए कल की यादों से रूबरू करवाएंगी, फास्ट फॉरवर्ड जिंदगी को फिर से रिवाइंड कराएगी। रेनबो रिवाइंड हर रात 11 से देर रात 2 बजे तक सिर्फ 107.1 एफएम रेनबो पर, म्यूजिकली योर्स। किस्सा ये क्या हो गया, मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया, मेरे दोस्त सुना है कि तू बेवफा हो गया। मेरे
खुदा जाने क्या, खुदा जाने क्या माजरा हो गया। सुना है कि तू बेवफा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। अगर मांग ले तू ओ जाने जिगर, अगर मांग ले तू ओ जाने जिगर, तुझे जान दे दूं मैं ये जान कर के हक दोस्ती का, के हक दोस्ती का अदा हो गया। सुना है कि तू बेवफा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। रफी ने इस गीत को गाया था फिल्म दोस्ताना के लिए। आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। कई बेमिसाल गाने और कई सारे पुरस्कार। चौदहवीं का चांद के अलावा मोहम्मद रफी को 1961 में ससुराल के तेरी प्यारी प्यारी सूरत को इस गीत के लिए भी सर्वश्रेष्ठ गायक का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला था। आगे 1967 में फिल्म सूरज के बहारो फूल बरसाओ, 1968 में ब्रह्मचारी फिल्म के दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर इन गीतों के लिए भी उन्हें पुरस्कार मिले। इसके बाद उन्हें 10 वर्ष इंतजार करना पड़ा। 1977 में नासिर हुसैन की फिल्म आई हम किसी से कम नहीं, इसमें मोहम्मद रफी को इस गीत के लिए फिर एक बार सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला, जो इसके बाद सुनेंगे आप। इस गाने के लिए वे नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किए गए थे। मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत है, संगीत आरडी बर्मन का और मोहम्मद रफी के साथ आवाज सुषमा श्रेष्ठ की। तेरा वादा वो कसम वो इरादा, क्या हुआ तेरा वादा
कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। हर शाम बेवफा ये भी क्या याद नहीं, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। नशा दौलत का ऐसा भी क्या कि तुझे कुछ भी याद नहीं, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम। कहते हैं कि लोग दुनिया में आते हैं चले जाने के लिए, पर कुछ लोग दुनिया से जाने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। ऐसे ही शख्सियत थे मोहम्मद रफी। दुनिया को अलविदा कहने के इतने वर्षों बाद भी उनकी यादें प्रशंसकों के जहन से धूमिल नहीं हुई है। लोग आज भी उन्हें दिलों जान से याद करते हैं, उनके अमर गीतों को सुनकर खुश हो जाते हैं। संगीत के क्षेत्र में मोहम्मद रफी के उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें सन 1965 में पद्मश्री पुरस्कार देकर उनकी कला का सम्मान किया। इसके बाद फिल्म गजल से उनका ये गीत सुनेंगे, साहिर लुधियानवी के बोल हैं और संगीत है मदन मोहन का। किसे पेश करूं,
ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। तेरे सेहरे की ये सौगात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। नजरानी है ये मेरे शेर मेरे आखरी नजरानी है। मैं उन अपनों में हूँ जो आज से बेगानी है। बेताल्लुक सी मुलाकात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। ये ख्यालात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। कहता है कि चाहत पे सभी का हक है, कौन कहता है कि चाहत पे सभी का हक है। तू जिसे चाहे तेरा प्यार उसी का हक है। मुझसे कह दे कह दे मैं तेरा हाथ किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं,
किसे पेश करूं, रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हसीं रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। शबाब पे मैं जरा सी शराब फेंकूंगा, किसी हसी की तरफ ये गुलाब फेंकूंगा। पर्दा है 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 पर्दा पर्दा है पर्दा पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दा नशी को बे पर्दा ना कर दूं बे पर्दा, पर्दा नशी को बे पर्दा ना कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है। पर्दा है पर्दा पर्दा है पर्दा है पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दा नशी को बे पर्दा ना कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है। पर्दा है पर्दा पर्दा है पर्दा देखता हूँ जिधर लोग भी उधर देखें, कहाँ ठहरती है जाकर मेरी नजर देखें, मेरे ख्वाबों की शहजादी मैं हूँ अकबर इलाहाबादी, मैं शायर हूँ हसीनों का मैं आशिक महजबीनों का, तेरा दामन तेरा दामन तेरा दामन 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 तेरा दामन न छोड़ूंगा मैं हर चिलमन 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 मैं हर चिलमन को तोड़ूंगा।
ना डर जालिम जमाने से अदा से या बहाने से। जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा, तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं। हाँ पर्दा नशी को बे पर्दा ना कर दूं तो 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 अकबर मेरा नाम नहीं है। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दा नशी को मैं पर्दा ना कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा। खुदा का शुक्र है चेहरा नजर तो आया है, हया का रंग निगाहों पे फिर भी छाया है। किसी की जान जाती है, किसी को शर्म शर्म आती है, किसी की जान जाती है, किसी को शर्म आती है, कोई आंसू बहाता है तो कोई मुस्कुराता है। सता कर इस तरह अक्सर मजा लेते हैं ये दिलबर, हाँ यही दस्तूर है इनका, सितम मशहूर है इनका, सितम मशहूर है इनका, मशहूर है इनका। खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी, मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूं। हाँ मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूं। हाँ पर्दा नशी को बे पर्दा ना कर दूं तो 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 अकबर में पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दा नशी को बे पर्दा न कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा। मोहम्मद रफी की आवाज में ये कव्वाली अभी आपने सुनी, फिल्म अमर अकबर एंथनी, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। उस दौर के सभी संगीतकारों के चहेते गायक बन गए थे रफी साहब, खासकर नौशाद और ओपी नैयर। शंकर जयकिशन को भी हम नहीं भूल सकते, उनके संगीत में रफी साहब का। आज का ये आखिरी गाना है पगला कही का फिल्म से, इस गीत को लोग आज भी पसंद करते हैं। मोहम्मद रफी को संगीत की दुनिया हमेशा याद करती रहेगी। अच्छे गायक कलाकार तो कई आए और चले गए, आज भी कई लाजवाब आवाजें हम लगातार सुनते हैं, पर मोहम्मद रफी की बात ही कुछ और थी। फिल्म आसपास उनकी आखिरी फिल्म मानी जाती है, हम उनकी यादों को नमन करते हैं। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे,
संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। जब ख्यालों में मुझको लाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। समा किस तरह भुलाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे। पगला कही का फिल्म का नाम, शंकर जयकिशन का संगीत, आवाज मोहम्मद रफी साहब की। मोहम्मद रफी के कुछ बेहतरीन गाने हमने सुने रेनबो रिवाइंड में। इस गीत के साथ ही ये कार्यक्रम समाप्त होता है। रफी साहब की यादों को नमन करते हैं।